नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉक इच के बारे में। जॉक इच ये जो होता है ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो जॉक इच एक प्रकार का रिंग वर्म का इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट पार्ट का रिंग वर्म होता है तो उसे हम जॉक इच कहते हैं। तो जॉक इच ये जो परेशानी है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली एक स्किन कंडीशन है जो टीनिया नामक फंगस के कारण होती है, इसलिए इसे टीनिया क्रूरिस भी कहा जाता है। तो ये जो टीनिया क्रूरिस है वो दिखने में कैसा रहता है, तो इसके दाग जो होते हैं वो दिखने में लाल रहते हैं, धारीदार रहते हैं और खुजली वाली त्वचा हो सकती है जिसका आकार अनुमन एक गोले की तरह होता है। तो ये जो टीनिया क्रूरिस है या ये आपके प्राइवेट पार्ट के पास ज्यादातर दिखाई देता है, आपके ग्रोइन एरिया में बहुत ज्यादातर दिखाई देता है, तो उसे हम जॉक इच बोलते हैं। तो ये जो जॉक इच है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन लोगों में जॉक इच बहुत ज्यादा होता है, तो जो लोग मोटापे का शिकार है उनमें ये जॉक इच बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एक पुरुष है यानी कि महिलाओं में ये जॉक इच जो है वो कम होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है। अगर आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, आपका वजन ज्यादा है, आप मोटापे के शिकार है, या फिर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, आपको पसीना ज्यादा आने की वजह से उधर नमी जो है प्राइवेट पार्ट में ज्यादा रहती है और उसके वजह से फंगस की ग्रोथ ज्यादा होती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम है यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम है, तो उसके वजह से भी आपको जॉक इच की संबंधित परेशानियां हो सकती है, या फिर आपको अन्य कुछ त्वचा रोग संबंधित परेशानियां है तो उसके वजह से भी आपको ये जॉक इच की परेशानी जो है वो हो सकती है। तो ये जो जॉक इच है इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके जांघों में आपके प्राइवेट पार्ट में आपको खुजली अक्सर महसूस होती है और त्वचा का लाल होना ये एक शुरुआती का लक्षण होता है जॉक इच का। ये जो संक्रमण है ये आपके प्राइवेट पार्ट से लेकर आपके जांघों तक फैलता है और आधे चांद के आकार में इसके जो इरप्शन है इसके जो चकते रहते हैं वो रहते हैं। तो ये जो चकते हैं ये बाहरी हिस्सों में छोटे छोटे उभरे हुए दानों की तरह होते हैं और उस चकतों में जलन जो है वो बहुत ज्यादा होती है और खुजली भी बहुत ज्यादा होती है। इतनी खुजली होती है कि आपकी त्वचा जो है वो सूखी हो जाती है और जिससे आपको उत्तरी परत निकलना शुरू हो जाता है आपके स्किन से। तो ऐसे लक्षण अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट के यहाँ पर दिखाई देते हैं जो जांघों तक फैलते हैं तो आपको जॉक इच की परेशानी है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो जॉक इच है इसके लिए कुछ आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उससे बचाव करने के लिए कुछ तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि नमी से बचे, नमी से राहत पाए। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में नमी बहुत ज्यादा रहती है तो फंगस की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और आपको जॉक इच की परेशानियां जो है वो होती है, इसलिए नमी ना रहने दें, साफ कपड़े पहने, कपड़े साफ पहनने से ये जॉक इच से आप बच सकते हैं। गर्मी से बचे, अगर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है उसके वजह से आपको पसीना आता है और उसके वजह से फंगस की ग्रोथ होती है, तो गर्मी के मौसम में नमी भरे मौसम में ज्यादा समय में आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, हवादार कपड़े पहनने हैं आपको, और टाइट कपड़े ना पहने ये भी एक प्रिवेंशन है जॉक इच का। अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा है तो उसको वो जो वस्तुएं है उसको इस्तेमाल मत करने दीजिए, जैसे कि कपड़े है, तौलिया है, इसको आप दूसरों को इस्तेमाल करने मत दीजिए। तो ये जो कुछ तरीके थे प्रिवेंशन से, जॉक इच के प्रिवेंशन से बचने के लिए, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जॉक इच की परेशानी है, आपने बहुत सारे मेडिसिन लिए हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन है
जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है चॉक इच के लिए वो है सेपिया। सेपिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है चॉक इच के लिए, स्पेशली आपको जेनाइटल्स में जो इरप्शंस आते हैं, खुजली आती है, स्क्रैचिंग बहुत ज्यादा आती है, आप इतना खुजाते हैं फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपको ऐसे लगता है खुजाते ही रहना है, तो उस वक्त ये सेपिया मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेपिया मेडिसिन रफ स्किन के लिए बहुत ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो सेपिया मेडिसिन है ये हम 200 1 ml या फिर सीएम पोटेंसी में जॉक इच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जॉक इच के लिए वो है क्राइसारोबिनम। ये जो मेडिसिन है ये जॉक इच के लिए और वॉयलेंट इचिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाने वाली मेडिसिन है। आपको प्राइवेट पार्ट में या फिर थाइस में आपके जांघों में इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इरप्शंस आते हैं जॉक इच के, टीनिया क्रूरिस के, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम 200 1 ml या फिर सीएम पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये स्किन कंडीशंस के लिए टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें अगर आपको जॉक इच जो है वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है फिर से उभर आता है तो ऐसे रिकरेंट एपिसोड के लिए ये ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों की त्वचा जो है वो ड्राई है, रफ है और बहुत ज्यादा खुजली आती है उनकी इरप्शंस में, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और जब मॉइस्ट वेदर रहता है उस वक्त आपके इरप्शंस बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त भी ये ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ग्राफाइटिस मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस मेडिसिन में इरप्शंस जो होते हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, उसमें से कुछ डिस्चार्जेस भी निकलते हैं जो कि स्टिकी रहते हैं, चिपकने वाले डिस्चार्जेस रहते हैं, श्राव रहते हैं, तो उस वक्त ये ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। 200 1 ml या फिर सीएम पोटेंसी में इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है अर्सेनिक आयोडम। अर्सेनिक आयोडम मेडिसिन जॉक इच के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ड्राई स्किन में ये मेडिसिन हम देते हैं और अगर आप नहाते हैं या फिर आपका जेनाइटल एरिया आप वॉश करते हैं तो उस वक्त इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम 1 ml सीएम पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बराइटा कार्ब जॉक इच के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहां पर इनटॉलरेबल इचिंग यानी कि इचिंग टॉलरेट नहीं होती है, खुजाते खुजाते आदमी रो पड़ता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा आपको क्रॉलिंग सेंसेशन आपके जांघों में या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में रहता है और बर्निंग जलन युक्त पीड़ा बहुत ज्यादा रहती है और निडल चुभ रही है ऐसा सेंसेशन होता है, कुछ तो भी प्रिक कर रहा है कोई, तो ऐसा सेंसेशन होता है, तो उस वक्त बराइटा कार्ब मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी मेडिसिन है ये आप 1 ml सीएम या फिर 200 या फिर 30 पोटेंसी में भी आपके जॉक इच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स इन रेमेडियों से मैच होते हैं, इन मेडिसिन से मैच होते हैं, तो इस मेडिसिन का जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जॉक इच से रिलीफ पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी जॉक इच, टीनिया क्रूरिस की परेशानी बहुत ज्यादा है और उससे वो बहुत ज्यादा ग्रस्त है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वीडियो और ये मेडिसिन दोनों मददगार रहेंगी। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।